ये क्या करोगे इतना सिंपल पेपर सॉल्व करके? बिजनेस स्टडीज़ के लिए जो हमारा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट आप लोग कहते हो, जो बिना पढ़े आप लोग जाके एग्ज़ाम में दे देते हो जैसे चाहो, तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ एक सैम्पल पेपर सॉल्व करो या कह सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि उसमें आपको अभी के स्टडीज़ क्वेश्चन आ रहे हैं जिसके लिए आपको एक सैम्पल पेपर या कह सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है। मिनिमम आपको कम से कम 5 के स्टडीज सॉल्व करो कि आपका एग्ज़ाम में आप लोग के स्टडीज़ का एनालाइज कर पाओ अच्छे से। तो सो आपको मैं रिकमेंड करूँगा बिजनेस स्टडीज़ के लिए बेस्ट सैम्पल पेपर हमारा अलका धवन का APSC पब्लिकेशन 20+ सैम्पल पेपर इन बिजनेस स्टडीज़। ये हमारा सैम्पल पेपर है अलका धवन का, APSC पब्लिकेशन का ये भी है। अगर आप लोग सोच रहे स्पॉन्सर है APSC का, तो क्यों मत सोचो ऐसा कुछ, क्योंकि इस चैनल का ग्रोथ इतना नहीं है कि स्पॉन्सर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो मैं गाइड कर रहा हूँ, मैं अपने जो मैंने यूज़ किया वो बता रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोग स्टूडेंट भी यूज़ कर चुके हैं, काफ़ी बेस्ट है, जाके रिव्यू चेक कर लेना उनका। अगर आप लोग केस स्टडीज़ बुक यूज़ की हो तो आप लोग जानते होंगे कितनी बेस्ट ऑथर है फॉर बिजनेस स्टडीज़। तो अलका धवन का मैम का आप लोग बिजनेस स्टडीज़ का बेस्ट सैम्पल पेपर कर सकते हो एंड बाय कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है लिंक। एंड इसका मैं एक सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, जिसमें की फीचर्स क्या हैं, आपको लेटेस्ट APSC सैम्पल पेपर प्रोवाइड होगा एंड 10 सैम्पल पेपर फॉर सॉल्व रहेगा और 10 अनसॉल्व रहेगा। ये फीचर्स हैं आपका और कुछ नहीं है ज़्यादा, बट क्वेश्चंस काफ़ी बेस्ट हैं, MCQ हैं, इसमें मैक्सो कॉलम्स हैं। अभी फ़िलहाल जो जो कुछ भी आप लोग चाहोगे सब कुछ अवेलेबल है, ये देख सकते हो, ये आप लोग देख लो, साइड में आपको दिखा दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। एंड अगर आप लोग सोच रहे हैं अलका धवन का नहीं लेना चाह रहे तो उसके बाद क्या, उसके बाद आप लोग ले सकते हो हमारे बिजनेस स्टडीज़ का अरियन का, वो भी अब बेस्ट है अगर आप लोग इसको नहीं सॉल्व करना चाह रहे हो। क्यों अरियन, क्यों अरियन आपको किस लिए मैंने रेकमेंड नहीं किया, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है वो रॉन्ग रहते हैं, बट इसमें क्या है सॉल्यूशन भी बेस्ट है। आप लोग एग्ज़ाम के टाइप के हिसाब से आपको सॉल्यूशन मिलता है। इसमें पॉइंट वाइज सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, देख लो पॉइंट वाइज सॉल्यूशन अवेलेबल है अगर आप लोग देख पा रहे हो। तो ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखोगे तभी आपको बिजनेस स्टडीज में मार्क्स मिल पाएगा। बाकी आपको रिकमेंड मैं करूँगा आप लोग डायग्राम यूज़ करो बिजनेस स्टडीज़ के लिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मार्क्स मिलने के लिए। तो ये हो गया हमारा बिजनेस स्टडीज़ के लिए। अगर आप लोग कोई और फर्दर हेल्प चाहिए तो नीचे मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो या प्लेलिस्ट देख लो कॉमर्स विथ क्लास 12 का, तो उसमें मैंने जो भी हमारे कॉमर्स का रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप लोग गो थ्रू कर लेना मेरे कॉमर्स रिलेटेड प्लेलिस्ट को।